हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शेखपुर आसिक कुंडा प्रतापगढ़ में चल रहे भंडारे को प्रशासन ने बंद करा दिया है, इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंदिर का भी जो कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य, उसे भी प्रशासन ने रुकवा दिया है। मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 ASP, 10 थानेदार, 95 सब इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबल, 4 बटालियन PAC के साथ ही वाराणसी से भी भारी पुलिस फोर्स मंगाई गई है। DM और SP भी लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। फिलहाल तो भंडारा होना संभव नहीं लग रहा है। आज प्रातः काल से ही मंदिर के चारों तरफ भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। कोई व्यक्ति मंदिर के आसपास आ जा नहीं सकता है। महाराजा उदय प्रताप सिंह को भी नज़रबंद कर दिया गया है। साथ ही शांति भंग की आशंका में पुलिस प्रशासन ने 500 लोगों को भी नज़रबंद कर दिया है। तो ये है तत्काल की सूचना शेखपुर आसिक कुंडा प्रतापगढ़ की, जहाँ माहौल बेहद गर्म है, प्रशासन बेहद सतर्क है, हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर पल की सूचना चाहता है कि अब क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो आप सब महानुभावों से मेरी प्रार्थना है कि मामले को शांति ढंग से देखें, शांति बनाए रखें, सभी संप्रदाय के लोगों का स्वागत और सत्कार होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको जानकारी दी शेखपुर आसिक कुंडा प्रतापगढ़ में चल रहे भंडारे के संबंध में और आज मुहर्रम के ताजिए के संबंध में। धन्यवाद।